हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइनक्स लेक्चर सीरीज के सिक्स लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर फाइव में आपने स्टडी किया है कैसे कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है, और डिफरेंट लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस में कमांड लाइन इंटरफेस CLI यूज़ करने के लिए कैसे आप टर्मिनल को एक्सेस करते हैं। इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी कुछ बेसिक कमांड्स का इंट्रोडक्शन, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं जानना, इससे पहले कि हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करें। तो ओवरव्यू ऑफ बेसिक लिनक्स कमांड्स, इसमें हम आज पढ़ेंगे सुपर यूज़र क्या होता है, फिर कुछ बेसिक कमांड्स कवर करेंगे, व्यूइंग फाइल्स यानी फाइल्स से रिलेटेड कमांड्स यहाँ कवर होंगी, फाइल्स को व्यू करने के लिए, मूव और रीनेम करने के लिए, रिमूव करने के लिए और डायरेक्टरी को क्रिएट एंड रिमूव करने के लिए। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि लिनक्स कमांड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आप एक कमांड को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। उसके लिए प्रॉम्प्ट पे सबसे पहले कमांड लिखी जाती है, देन उसके बाद ऑप्शंस का फील्ड होता है। ऑप्शंस का फील्ड ऑप्शनल होता है, इसीलिए इसको ऑप्शंस कहते हैं। इट मीन्स कि एक कमांड को आप विदाउट ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, एंड किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उस ऑप्शंस को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स फील्ड का ये मतलब है कि कमांड से रिलेटेड अगर आपको कुछ डेटा देना है, लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपको बताना है कि फाइल कहाँ है और किस उसका सोर्स एंड कहाँ आपको उसको मूव करना है, या कोई दूसरे तरीके का आपको डेटा देना है, तो वो आर्गुमेंट्स फील्ड में आता है। मल्टीपल कमांड सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन कैन बी एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। तो ये लिनक्स की ब्यूटी है कमांड लाइन इंटरफेस की, कि आप मोर देन वन कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेमी कॉलन को यूज़ करते हुए। एक ही बार में आप मोर देन वन कमांड्स, मोर देन वन टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यह इसकी ड्यूटी है। स्टार्ट करते हैं सुपर यूज़र से। सुपर यूज़र में आप देख सकते हैं कि दो कमांड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं सुपर यूज़र के लिए, सूडो कमांड एंड su कमांड। तो सूडो अलाउज यूज़र्स टू रन प्रोग्राम्स यूजिंग द सिक्योरिटी प्रिविलेज ऑफ अनदर यूज़र। तो बेसिकली सुपर यूज़र क्या होता है, सुपर यूज़र वो स्पेशलाइज्ड यूज़र है जिसके पास रूट यूज़र की प्रिविलेजेस होती हैं, यानी कि सुपर यूज़र एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास सभी प्रिविलेजेस होती हैं, सभी तरीके के कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है और सिस्टम को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। तो सूडो क्या करता है, सूडो कमांड क्या करती है कि वो नॉर्मल यूज़र को एक सुपर यूज़र की तरह या दूसरे यूज़र की तरह एक्ट करने का की प्रिविलेज देती है, जनरली रूट और सुपर यूज़र। द फंक्शनैलिटी ऑफ सूडो इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ रन एज इन विंडोज़। जैसे कि आपको पता है कि विंडोज़ में रन एज कमांड वर्क करती है, सिमिलरली सूडो कमांड लिनक्स में यूज़ होती है। देन आप आती हैं su कमांड। su यानी स्विच यूज़र कमांड। If the system does not already have sudo set up and enabled, we will use su to make modifications as the administrative or super user root. तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में sudo कमांड सेटअप नहीं है, इनेबल नहीं है, तो उस केस में आपको su कमांड यूज़ करनी होती है। su कमांड लिखने के बाद आप जिस यूज़र में स्विच करना चाहते हैं उसका यूज़र नेम लिखते हैं, then you have to enter the password, password enter करना होता है, and then user change हो जाता है। at the command line prompt type su and press enter, you will then be prompted for the root password, so enter it and press enter। जो मैंने अभी बताया su के बाद अगर यूज़र नेम मैंशन करते हैं तो आप किसी दूसरे यूज़र में स्विच करते हैं, एंड देन उस यूज़र का पासवर्ड डालते हैं, और अगर आपको रूट प्रिविलेज चाहिए तो सिर्फ su लिख के एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा रूट पासवर्ड के लिए, देन रूट पासवर्ड आप एंटर करेंगे एंड यू विल नोटिस दैट नथिंग इज़ प्रिंटेड। वहाँ से जब आप पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं लिनक्स में, तो कुछ भी
आपको विजिबल नहीं होता है, कुछ प्रिंट नहीं होता है. दिस इज सो अदर्स कैन नॉट सी द पासवर्ड ऑन द स्क्रीन. सो शुड यू शुड एंड अप विद अ डिफरेंट लुकिंग प्रॉम्प्ट व्हेन एंडिंग ऑफ एन एंडिंग विद हैश. फॉर एग्जाम्पल डॉलर एस यू पासवर्ड, इट चेंज टू हैश. तो जैसे ही आप एस यू एंटर करेंगे, देन उसके बाद रूट पासवर्ड उस वहाँ से लिखेंगे एंड देन एंटर करेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉम्प्ट होता है वो डॉलर से हैश में चेंज हो जाता है. तो इसका मतलब आप अब रूट यूज़र से लॉग इन कर चुके हैं. तो यह थी ब्रीफ डिटेल अबाउट द यूज़र्स, कैसे आप सूडो कमांड को यूज़ करके रूट यूज़र से रिलेटेड कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड su कमांड को यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद देखते हैं बेसिक कमांड्स. सबसे पहले टच कमांड, यूज टू सेट और अपडेट द एक्सेस, चेंज एंड मॉडिफाई टाइम्स ऑफ फाइल्स. बाय डिफ़ॉल्ट इट रिसेट्स अ फाइल्स टाइम स्टैम्प टू मैच द करंट टाइम. बेसिकली टच कमांड से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो कि एम्प्टी फाइल होती है. आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट के सामने, डॉलर प्रॉम्प्ट के सामने अगर आप लिखते हैं टच और फाइल नेम, जो भी आप फाइल इस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या करती है ये कमांड, एक न्यू फाइल को क्रिएट कर देती है जो कि एम्प्टी फाइल होती है. आप यहाँ देख सकते हैं इसका सिंटेक्स दिया हुआ है टच फाइल नेम. टच प्रोवाइड सेवरल ऑप्शंस बट हियर इज़ वन ऑफ इंटरेस्ट. इसके अलावा भी इस कमांड के बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हाइफ़न टी ऑप्शन के साथ. अगर आप हाइफ़न टी ऑप्शन यहाँ से यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने सिंटेक्स में देखा था कि पहले कमांड लिखते हैं उसके बाद ऑप्शंस, तो ऑप्शंस जो होते हैं वो हाइफ़न के सिंबल के साथ एक अल्फ़ाबेट होता है, तो यहाँ से हाइफ़न टी ऑप्शन फील्ड है एंड देन उसके आगे का फील्ड आर्गूमेंट फील्ड है. टू सेट द टाइम स्टैम्प ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम, आप फाइल का टाइम स्टैम्प अगर आपको चेंज करना है किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो आप टच कमांड को यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ क्या हो, ये कमांड क्या करेगी, टच हाइफन टी 02161700 माई फाइल. दिस सेट्स द फाइल माई फाइल्स, माई फाइल नाम की आपकी फाइल है, टाइम स्टैम्प टू 5 PM 1700 17 का मतलब 5 PM एंड फेब्रुवरी 16. 02 मीन्स मंथ एंड 16 मीन्स डेट. 16 फरवरी 5 PM टाइम स्टैम्प इसका चेंज हो जाएगा. समटाइम्स ये कमांड बहुत यूज़फुल होती है ऑफिस वर्क के लिए. सपोज़ इवनिंग में 5 o'clock आपने लॉगआउट करने से पहले आप चेंज किसी भी फाइल का अगर टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपके सुपरवाइज़र की नॉलेज में रहेगा कि 5 o'clock तक समवन इज़ वर्किंग विद दिस फाइल. सेकेंड है PWD, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है चेक करने के लिए. सबसे पहले जब भी आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे तो आप PWD डाल के चेक करेंगे. प्रिंट और लिस्ट द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी विद फुल पाथ. इसका मतलब ये होता है कि एट प्रेजेंट किस डायरेक्टरी के अंदर प्रॉम्प्ट है. इट मींस कि अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो वो ऑपरेशन किस डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट होगा, तो वो कहलाती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. हिस्ट्री कमांड, ये कमांड भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. लिस्ट द प्रीवियसली एंटर्ड कमांड्स, वन शुड मेक हैबिट टू यूज़ हिस्ट्री कमांड. तो हिस्ट्री कमांड से ये चेक हो जाता है कि आपने एक वन टाइम लॉगिन में, एक बार लॉगिन करने के बाद सिस्टम में जितनी भी कमांड्स आप एंटर करेंगे वो हिस्ट्री कमांड आपको शो कर देगी. तो इसका बेनिफिट बेसिकली ये है, कुछ कॉम्प्लेक्स कमांड्स के केस में सिंटैक्स या आर्गूमेंट्स को अगर आपको दोबारा से वो कमांड एग्जीक्यूट करनी है, चेक करना है, तो आप हिस्ट्री कमांड से उसको चेक कर सकते हैं. CMP कमांड यूज़ होती है दो फाइल्स को कंपेयर करने के लिए. कट कमांड यूज़ होती है रिमूव सेक्शंस फ्रॉम ईच लाइंस ऑफ फाइल, ईच लाइन ऑफ फाइल्स, फाइल्स की लाइन्स से कुछ सेक्शन को रिमूव करने के लिए. डिफ़ कमांड शोज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल्स, दो फाइल्स के बीच का डिफरेंस डिफ़ कमांड से शो होता है. जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे शो किया हुआ है डिफ फाइल वन फाइल टू, तो फाइल वन एंड फाइल टू के में जो डिफरेंस होगा वो डिफ़ कमांड शो करेगी. देन ls कमांड यूज़ होती है लिस्ट द फाइल्स स्लैश डायरेक्ट्रीज.
आपको ये देखना है कि किसी डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं, तो आप ls कमांड यूज़ करते हैं। ls के साथ ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। ls-l, इसका मतलब है लिस्ट विद लॉन्ग फॉर्मेट, इट शोज़ परमिशंस। ओनली ls कमांड, ls और उसके बाद आप स्पेस देकर फाइल डायरेक्टरी नेम लिखेंगे या पाथ देंगे उसका, तो वो आपको सिर्फ नेम्स शो करेगी जो भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होंगी अवेलेबल। तो ls-l लिखने से लॉन्ग फॉर्मेट में वो शो कमांड शो करती है आपको आंसर, यानी कि कंप्लीट उसमें आपकी परमिशंस आती हैं कि फाइल या डायरेक्टरी की परमिशंस क्या सेट हैं, उसका टाइम स्टैम्प क्या है, उसका यूज़र कौन है, ग्रुप यूज़र कौन है। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एनी फाइल और डायरेक्टरी यहाँ आपको शो हो जाती है। ls-la का मतलब होता है लिस्ट विद लॉन्ग फॉर्मेट इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। इसमें क्या होता है, अगर कुछ हिडन फाइल्स वहाँ से अवेलेबल हैं तो वो हिडन फाइल्स को भी शो करता है। ls-ls का मतलब होता है लिस्ट विद लॉन्ग फॉर्मेट विद फाइल साइज, यहाँ फाइल साइज भी लॉन्ग फॉर्मेट में मेंशन होता है। ls-lh में लिस्ट विद लॉन्ग फॉर्मेट विद रीडेबल फाइल साइज। फाइल साइज बेसिकली बिट्स की फॉर्मेट में होगा, तो एक बड़ा सा नंबर होता है जो कि रीडेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप ls-lh कर देंगे तो वो रीडेबल हो जाएगा, जैसे कि MB, KB, MB, GB के फॉर्मेट में आएगा जो कि रीडेबल होते हैं, ह्यूमन रीडेबल। देन आपकी आती है cp कमांड। cp मीन्स कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसका एग्जाम्पल है cp file1 file2। फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करने के लिए या एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए cp कमांड का यूज़ होता है। cd कमांड यूज़ होती है डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, चेंजेस द करंट डायरेक्टरी टू डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, जो करंट डायरेक्टरी से डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में चेंज करती है। cd डॉट मीन्स चेंजेस टू करंट डायरेक्टरी। cd डबल डॉट मीन्स चेंजेस टू पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि इससे पहले जो आपके ट्री में, अगर आप को याद होगा जो डायरेक्टरी ट्री होती है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अगर फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है, तो सब डायरेक्टरी में अगर आप वर्क कर रहे हैं एंड cd डॉट डॉट यूज़ करते हैं तो वो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में चली जाती है प्रॉम्प्ट। cd-hyphen चेंजेस टू योर होम डायरेक्टरी, और cd-hyphen यूज़ करने से आप डायरेक्ट अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं। सॉर्ट कमांड इज़ यूज टू सॉर्ट अ फाइल अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने के लिए यूज़ होती है। यूनिक कमांड रिमूव्स डुप्लीकेट लाइन्स फ्रॉम ए सॉर्टेड फाइल, और फिर सॉर्टेड फाइल में अगर कोई डुप्लीकेसी है लाइन्स में तो उसको रिमूव करने के लिए यूनिक कमांड यूज़ होती है। देन आपकी है wc, यानी वर्ड काउंट। इट काउंट्स लाइन्स वर्ड्स कैरेक्टर्स इन ए फाइल। एक फाइल में लाइन्स वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए wc कमांड का यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं wc के बाद -c/w/l ये ऑप्शंस दिए गए हैं, और फाइल नेम। अगर -c यूज़ करेंगे तो कैरेक्टर्स काउंट करेगी ये कमांड, अगर आप -w यूज़ करते हैं तो वर्ड्स काउंट होते हैं, एंड -l यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ लाइन्स काउंट होती हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं फाइल्स रिलेटेड विद व्यूइंग फाइल्स, कमांड्स रिलेटेड विद व्यूइंग फाइल्स। कैट कमांड सबसे पहले, जिसमें दिस इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग फाइल्स दैट आर नॉट वेरी लॉन्ग। अगर आपकी फाइल्स बहुत स्मॉल फाइल है, 2, 3, 4, 10 लाइंस की, तो कैट कमांड यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी स्क्रॉल बैक। इसका ये डिसएडवांटेज भी है लॉन्ग फाइल्स के लिए, अगर फाइल्स में नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हैं किसी एक फाइल में, अगर और आप उसको कैट कमांड से ओपन करते हैं तो आप उसमें स्क्रॉल बैक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कैट कमांड हमेशा स्मॉल फाइल्स के लिए यूज़ की जाती है। और जब आप कैट प्रॉम्प्ट के बाद कैट लिखेंगे, उसके बाद फाइल नेम लिखेंगे, तो फाइल के अंदर जो भी लाइन्स होंगी वो आपको टर्मिनल में ही शो कर देता है एक आउटपुट में ये कमांड। टैक यूज टू लुक एट अ फाइल बैकवर्ड्स स्टार्टिंग विद द लास्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइल काफ़ी लॉन्ग फाइल है और आपको लास्ट लाइन से, तो क्या होता है कि जो है आपको लास्ट लाइन से कुछ लाइन्स
देखनी है, चेक करनी है इंस्टीट के आप स्टार्टिंग से सारी लाइंस चेक करें, तो टैग कमांड का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये यूज़ होती है जनरली लॉग फाइल्स को चेक करने के लिए। तो लॉग फाइल्स बहुत लॉन्ग फाइल्स होती हैं, तो और जो भी एंट्री होती है लेटेस्ट वो लास्ट में होती है, तो लास्ट लाइंस को चेक करने के लिए टैग यूज़ कर सकते हैं। लेस यूज टू व्यू लार्जर फाइल्स बिकॉज इट इज़ ए पेजिंग प्रोग्राम। लेस कमांड यूज़ होती है लार्जर फाइल्स को व्यू करने के लिए, कम्प्लीटली व्यू करने के लिए, क्योंकि एक पेजिंग प्रोग्राम है। इट पॉजेज एट ईच स्क्रीन फुल ऑफ टेक्स्ट। ये एक स्क्रीन पे जितनी लाइंस अपियर होंगी उसके बाद ये कमांड रुक जाती है। देन आप नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन। तो इस तरीके से पेज वाइज आप को कम्प्लीट फाइल व्यू कर सकते हैं। प्रोवाइड्स स्क्रॉल बैक कैपेबिलिटीज़, इसमें स्क्रॉल बैक कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। एंड लेट यू सर्च एंड नेविगेट विद इन द फाइल। विद इन फाइल आप सर्च भी कर सकते हैं और नेविगेट भी कर सकते हैं। यूज स्लैश टू सर्च फॉर ए पैटर्न इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड क्वेश्चन मार्क फॉर ए पैटर्न इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको कोई पैटर्न सर्च करना है तो उसके लिए स्लैश यूज़ किया जाता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में पैटर्न सर्च करने के लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है। सिमिलरली टेल कमांड है, दिस इज़ यूज टू प्रिंट द लास्ट 10 लाइन्स ऑफ ए फाइल बाई डिफॉल्ट। तो टेल कमांड का यूज़ करके आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी फाइल की लास्ट 10 लाइंस को स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। यू कैन चेंज द नंबर ऑफ लाइंस बाय डूइंग हाइफन एन 15 और जस्ट हाइफन 15 ऑप्शन। आप नंबर ऑफ लाइंस चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन में लिखेंगे हाइफन एन 15 या जस्ट आप लिखेंगे हाइफन 15, तो ये आपको 15 लाइन्स शो करेगी, लास्ट की 15 लाइन्स। इफ़ यू वॉन्टेड टू लुक एट द लास्ट 15 लाइन्स इंस्टीड ऑफ द डिफॉल्ट। हेड द अपोजिट ऑफ टेल, ऑब्वियसली टेल का अपोजिट हेड है। कमांड होती है बाई डिफॉल्ट इट प्रिंट्स द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ ए फाइल। ये फाइल की फर्स्ट 10 लाइन्स को बाई डिफॉल्ट प्रिंट करता है। सिमिलरली इसमें भी आप हाइफन एन ऑप्शन यूज करके नंबर ऑफ लाइन्स चेंज कर सकते हैं। ईको कमांड डिस्प्ले अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ईको कमांड क्या होती है कि ईको जस्ट सिंपली एक लाइन को टेक्स्ट की आपकी टर्मिनल में स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देती है। तो ईको के बाद आप जो भी मैसेज अगर कोई प्रिंट करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ईको गुड मॉर्निंग टू ऑल, तो ईको कमांड गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रिंट करती है। फॉर एग्जांपल ऑफिस में मॉर्निंग में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको मैसेज भेजना है बॉस को गुड मॉर्निंग हैव ए नाइस डे, तो ईको कमांड का यूज़ करके वो मैसेज सेंड किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कैसे एक फाइल को मूव या रीनेम करते हैं। उसके लिए एमवी कमांड यूज़ होती है। एमवी कमांड मूव कमांड कहलाती है। ये मूव करने के लिए भी और रीनेम करने के लिए भी यूज़ होती है। इसका भी सिंटेक्स आप देख सकते हैं। आप कमांड लिखेंगे एमवी, उसके बाद ऑप्शंस फील्ड है एंड देन आर्गूमेंट फील्ड। तो आर्गूमेंट फील्ड में सोर्स डेस्टिनेशन यानी कि सोर्स या डायरेक्ट्री, हाइफन टी डायरेक्ट्री सोर्स या मोर देन वन सोर्सेज और एक सिंगल डायरेक्टरी, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स यहाँ दे सकते हैं। द लाइनक्स एमवी कमांड इज़ यूज टू मूव फाइल और डायरेक्टरी इन लाइनक्स सिस्टम। व्हेन वी मूव अ फाइल और डायरेक्टरी टू अ न्यू लोकेशन वी चेंज इट्स लोकेशन। दिस मीन्स वी डिड नॉट डुप्लीकेट द फाइल और डायरेक्टरी एंड डिड नॉट लीव अ कॉपी इन द ओरिजिनल लोकेशन। तो जब आप एमवी कमांड यूज़ करते हैं तो वो फाइल की लोकेशन को चेंज करता है ना कि उसे कॉपी करता है। कॉपी करने में क्या होता है, फाइल दूसरी डेस्टिनेशन पे आपकी दूसरी जगह दूसरी लोकेशन पे कॉपी हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स में भी अवेलेबल रहती है। लेकिन एमवी कमांड में ये सोर्स में अवेलेबल नहीं रहती है, ये इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है और ये डेस्टिनेशन में चली जाएगी, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में। वी कैन ऑल्सो यूज़ एमवी कमांड टू रीनेम फाइल इन द सेम डायरेक्ट्री। अगर आप सेम लोकेशन पे एमवी कमांड यूज़ करते हैं डिफरेंट पाथ नहीं देने के बजाय आप सेम लोकेशन पे एमवी कमांड यूज़ करते हैं, तो ये उसका फाइल उसको रीनेम करने के लिए यूज़ की जा सकती है। द लाइनक्स एमवी कमांड आल्सो अलाउज अस टू मूव मल्टीपल फाइल्स टू अ न्यू लोकेशन इन द लाइनक्स सिस्टम। मोर देन वन फाइल्स को एट ए टाइम आप किसी नई लोकेशन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंटेक्स में लास्ट लाइन में फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे एमवी ऑप्शन सोर्स वन सोर्स टू सोर्स थ्री। यहाँ 3 फाइल्स ली गई हैं सोर्स वन सोर्स टू सोर्स थ्री और उनको मूव किया गया है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में न्यू लोकेशन। उसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे वर्क करती है। सबसे पहले इसमें एलएस कमांड को यूज़ किया गया है जो आपने अभी स्टडी की है। तो एलएस कमांड किस लिए होती है, लिस्ट करती है। तो
एलएस कमांड, सिंपल एलएस कमांड यूज़ की गई है, तो इसका मतलब जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ से जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। तो सिंपली आपने एलएस डाला तो आपको जो भी आपकी अवेलेबल फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो यहाँ आपको शो हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी एक फाइल है। देन हमने एम वी कमांड यूज़ की, एम वी न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी सोर्स फाइल हो गई स्पेस माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ये डेस्टिनेशन फाइल हो गई। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसका सेम लोकेशन पे हम यूज़ कर रहे हैं, पाथ चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम लोकेशन है, ये ध्यान रखने की बात है, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करने के लिए कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद आप चेक करने के लिए अगेन आप एल एस कमांड का यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी की जगह माई फाइल डॉट टी एक्स टी यहाँ आपको नज़र आएगी। तो इस तरीके से आप एम वी कमांड को यूज़ कर सकते हैं रीनेमिंग के लिए। और अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आप सिंपली जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ से पाथ देंगे, जिस जगह आपको, जिस फोल्डर में आपको, जिस लोकेशन पर आपको मूव कराना है। नेक्स्ट है रिमूविंग अ फाइल, एक फाइल को कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए कमांड यूज़ होती है आरएम कमांड। आरएम कमांड इज़ यूज फॉर रिमूविंग अ फाइल। सिमिलरली आरएम के साथ भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे अगर आप आरएम हाइफन एफ़ यूज़ करेंगे, इसका मतलब, एफ़ का मतलब होता है फोर्सफुली रिमूव करना किसी भी फाइल को, और आरएम के साथ अगर आप हाइफन आई यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है इंटरेक्टिवली रिमूव करना। तो आई जब भी आप ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है प्रॉम्प्ट अगेन के, वेदर डू यू वांट टू रिमूव दिस फाइल, येस और नो, देन आप येस टाइप करेंगे एंड वो रिमूव हो जाएगी। तो ये बेटर ऑप्शन होता है इंटरेक्टिवली रिमूव करने का। फॉर एग्जांपल अगर बाई मिस्टेक आपसे आरएम के बाद जिस फाइल को आपको नहीं डिलीट करना वो फाइल सेलेक्ट हो जाती है, तो हाइफन आई आप ऑप्शन अगर आपने यूज़ किया है तो आप उसको नो कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट सर्टेन अबाउट रिमूविंग फाइल्स दैट मैच ए पैटर्न यू सप्लाई, इट इज़ ऑलवेज गुड टू रन आरएम इंटरेक्टिवली टू प्रॉम्प्ट बिफोर एवरी रिमूवल। तो एक हैबिट बना लेनी चाहिए, अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो आप आरएम के साथ हाइफन आई ऑप्शन ज़रूर यूज़ करें। इसका सिंटेक्स होता है सिमिलरली, आरएम आप लिखेंगे, इसके बाद स्पेस ऑप्शंस का लिखेंगे, देन स्पेस, देन फाइल या डायरेक्ट्री का नाम आप देंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आरएम स्लैश होम स्लैश फातिमा स्लैश इंस्टॉल डॉट लॉग, ये फाइल का नेम दिया है विथ पाथ। इंस्टॉल डॉट लॉग आपके फाइल है जो कि स्लैश होम स्लैश फातिमा स्लैश इंस्टॉल डॉट लॉग। सपोज वी हैव ए डायरेक्ट्री लाइनक्स अंडर स्लैश एम टी स्लैश ओ एस, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक डायरेक्ट्री है लाइनक्स नाम की स्लैश एम टी स्लैश ओ एस में, फिर आप क्या करेंगे आर एम हाइफन आर लाइनक्स, और आपको उस डायरेक्ट्री को, लाइनक्स को रिमूव करना है। तो आपने कमांड रन की आर एम हाइफन आर, हाइफन आर का मतलब रिकर्सिवली, रिकर्सिवली का आप हमेशा डायरेक्ट्री के साथ यूज़ करते हैं। अगर आपको कंप्लीट डायरेक्ट्री फोल्डर रिमूव करना है और आप और वो डायरेक्ट्री के अंदर फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं तो आप हाइफन आर यूज़ करेंगे, जिससे कि डायरेक्ट्री के अंदर की सभी फाइल्स या फोल्डर्स भी रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप एलएस कमांड से चेक कर सकते हैं। एलएस कमांड जब आप चेक करेंगे तो ये शो कर रहा है एमटी स्लैश ओएस स्लैश, और वहाँ से लाइनक्स नाम की कोई डायरेक्ट्री अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आती है कमांड फॉर क्रिएटिंग और रिमूविंग ए डायरेक्ट्री, डायरेक्ट्री क्रिएट और रिमूव करने के लिए। अभी तक जो हमने कमांड्स पढ़ी हैं वो फाइल्स से रिलेटेड कमांड्स थी, अब डायरेक्ट्री अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड होती है एम के डी आई आर मेक डायरेक्ट्री। इस कमांड को यूज़ करके आप एक डायरेक्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ सैम्पल डायरेक्ट्री कॉल्ड सैम टी आई आर अंडर स्लैश यू एस आर टाइप, ये एग्जाम्पल दिया गया है। आपने प्रॉम्प्ट डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद कमांड लिखी एम के डी आई आर, फिर उसके बाद स्पेस, देन स्लैश यू एस आर के अंदर आपको सैम डी आई आर क्रिएट करनी है, तो आप लिखेंगे स्लैश यू एस आर स्लैश डायरेक्ट्री नेम यानी कि सैम डी आई आर। तो इस तरीके से स्लैश यू एस आर के अंदर सैम डी आई आर नाम की डायरेक्ट्री क्रिएट हो जाती है।
आगे दूसरे एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं आउटपुट के साथ। एग्जाम्पल ऑफ एम के डी आई आर कमांड यूज विद नो ऑप्शन सप्लाइड। अगर कोई ऑप्शन आप सप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ से आप देखते हैं एम के डी आई आर प्रोग्राम्स। आपने सिंपली एम के डी आई आर के बाद प्रोग्राम्स नाम का की फाइल बनाई है जो जो कि प्रोग्राम सॉरी डायरेक्टरी बनाई है जो कि प्रोग्राम्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल ऑन हाउ टू क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरीज एट वंस। मोर देन वन डायरेक्टरीज आपको एक साथ क्रिएट करनी है तो आप एम के डी आई आर एंड स्पेस दे के सभी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि लाइनक्स स्पेस ट्यूटोरियल स्पेस गाइड स्पेस एग्जाम्पल। तो इस तरीके से यहाँ चार डायरेक्टरीज क्रिएट होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूजिंग द ऑप्शन अवेलेबल विद एम के डी आई आर कमांड। एम के डी आई आर कमांड के साथ कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसमें कि फर्स्ट एम के डी आई आर ऑप्शन एग्जाम्पल इज द हाइफन हाइफन मोड इक्वल्स टू मोड। अगर आप हाइफन हाइफन मोड ऑप्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ बेसिकली ये आपकी परमिशन सेट कर रहा है फोल्डर की डायरेक्टरी की। तो हाइफन हाइफन मोड इक्वल्स टू 550, 550 परमिशन सेट हो गई है किसकी, लाइनक्स ट्यूटोरियल जो आपकी डायरेक्टरी है। तो उसके बाद आप चेक करेंगे क्या चेंजेस आए हैं। तो ls हाइफन l आपने यहाँ से कमांड यूज़ की, ls को हाइफन एल ऑप्शन के साथ यानी कि लॉन्ग फॉर्मेट वाले ऑप्शन के साथ आपने यहाँ यूज़ किया। आप उसके बाद नीचे आउटपुट देख सकते हैं जो लास्ट लाइन है उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये परमिशंस शो कर रहा है आपको। 550 का मतलब है रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन फॉर यूज़र, रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन फॉर ग्रुप, एंड 0 का मतलब है अदर्स के लिए कोई परमिशन नहीं है यानी रीड राइट और एग्जीक्यूट में से कोई भी परमिशन नहीं है। तो 550 से परमिशन सेट हो जाती हैं। देन उसके बाद आपको यूज़र ने यूज़र एंड ग्रुप नेम शो यहाँ से दिए हुए हैं के के सी जे एल ए बी करके, सेम यूज़र एंड सेम ग्रुप। देन 4096 फाइल साइज एंड डेट, किस डेट को फाइल क्रिएट हुई, यहाँ से जो है 2 जुलाई 2020, एंड उसका टाइमिंग्स 10:24 एंड फाइल नेम। तो इस तरीके से ls हाइफन l करने से आपको कंप्लीट लॉन्ग लिस्ट में आपको आउटपुट मिलता है। परमिशंस के बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूँगी कैसे परमिशंस फाइल्स की सेट की जाती हैं और उसका के लिए क्या क्या कमांड यूज़ होती है वो मैं डिटेल में आपको आगे डिस्कस करूँगी। अब देखते हैं कि इसमें क्रिएटिंग और रिमूविंग डायरेक्टरी में रिमूव कैसे करते हैं हम डायरेक्टरी को। अभी तक हमने डायरेक्टरी क्रिएट करी तो रिमूव करने के लिए rmdir कमांड यूज़ होती है, जैसे कि क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड थी। rmdir कमांड रिमूव्स एन एम्प्टी डायरेक्टरी। तो बेसिकली जो ये कमांड होती है ये एम्प्टी डायरेक्टरी पे वर्क करती है, और अगर आपकी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं तो उसके लिए आपको rm-rf कमांड यूज़ करनी होगी। rm-r का एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड में मैंने आपको समझाया है। और यहाँ से एफ़ जो ऑप्शन है, यहाँ से दो ऑप्शन यूज़ किए गए हैं इस कमांड के साथ। हाइफन आर फॉर रिकर्सिवली, रिकर्सिवली का मतलब डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे उनके अंदर रिकर्सिवली जाके सभी को रिमूव करेगी ये कमांड। एंड एफ़ का मतलब होता है फोर्सफुली रिमूव करेगी। तो rmdir वर्क्स ओनली ऑन एम्प्टी डायरेक्टरीज एंड rm-rf इज़ ए फास्ट एंड ईजी वे टू रिमूव ए होल फाइल सिस्टम ट्री रिकर्सिवली। रिकर्सिवली ये इससे पूरा फाइल सिस्टम ट्री रिमूव किया जाता है, इसलिए ये कमांड एक्सट्रीमली डेंजरस कमांड्स में आती है और इसको बहुत ही सोच समझ के एटमोस्ट केयर के साथ यूज़ करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यूज्ड बाय रूट, जबकि आप रूट यूज़र से इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने जो है rm-rf एग्जीक्यूट कर दिया रूट पे तो वो उससे क्या होगा, रिकर्सिवली सभी फोल्डर्स को डिलीट कर देगी एंड आपका पूरा फाइल सिस्टम डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एम के डी आई आर लाइनक्स। तो यहाँ क्या है, हमने लाइनक्स नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, ls कमांड यूज़ करके चेक किया जिसमें कि आप देख सकते हैं लाइनक्स नाम की डायरेक्टरी अपीयर हो गई है। देन rmdir कमांड यूज़ की रिमूव डायरेक्टरी लाइनक्स के लिए, एंड देन फिर आप ls कमांड से चेक कर सकते हैं यहाँ से लाइनक्स डायरेक्टरी रिमूव हो जाती है। फिर अगेन हमने mkdir लाइनक्स कमांड यूज़ करते हुए लाइनक्स डायरेक्टरी क्रिएट की। देन cd कमांड यूज़ करते हुए हम उस डायरेक्टरी के अंदर गए लाइनक्स के अंदर। आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट से पहले जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो लाइनक्स में चेंज हो गई है। एंड देन टच कमांड यूज़ करते हुए
दो फाइल्स क्रिएट की हैं। टच फाइल वन आपकी फाइल वन क्रिएट करेगी कमांड, एंड टच फाइल टू करने से फाइल टू, यानी कि दो एम्प्टी एम्प्टी फाइल्स आपकी क्रिएट हो जाती हैं। देन सी डी डॉट डॉट कमांड यूज़ करने से क्या होगा, आप अपने पेरेंट डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, यानी कि जहाँ पहले थे। तो सी डी डॉट डॉट कमांड यूज़ करके आप लाइनक्स डायरेक्टरी से निकल जाते हैं, एंड देन फिर एल एस कमांड यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ से फाइल वन आपको नज़र आएगी एंड फाइल टू भी आपको नज़र आएगी। फाइल वन एंड फाइल टू यहाँ से क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद अगर आप आर एम डी आई आर लाइनक्स यूज़ करते हैं, सॉरी, जो एल एस कमांड आपको शो कर रही है वो लाइनक्स डायरेक्टरी को शो कर रही है, क्योंकि आप यहाँ तो लाइनक्स से आप बाहर आ गए हैं। उसके अंदर हमने ऑलरेडी फाइल वन फाइल टू क्रिएट कर दी है, तो अब ये डायरेक्टरी आपकी एम्प्टी नहीं है। तो उसके बाद फिर आर एम डी आई आर लाइनक्स कमांड यूज़ करेंगे तो ये आपको एरर देगी। ये क्या, इसका आउटपुट में आपको देख सकते हैं, आर एम डी आई आर फेल टू रिमूव लाइनक्स डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आर एम डी आई आर कमांड सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी पे वर्क करती है, और अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं तो ये उसको रिमूव नहीं कर सकती। उस केस में हमें आर एम हाइफन आर कमांड को यूज़ करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट लेक्चर्स इन लाइनक्स लेक्चर सीरीज़। थैंक यू सो मच।